हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, प्रीति मेकअप चैनल से, अपने चैनल में यानी कि प्रीति मेकअप चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैंने आप लोगों को दूसरी स्टाइल में आप लोगों का वेलकम किया है। आई होप आप लोगों को ये वेलकम करने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो ना तो बताइएगा जरूर, फिर मैं इसी तरीके से करूँगी, ठीक है। और अभी जैसा मैंने बताया कि 7 बज रहे हैं और बाबू उठ चुकी है, खेल रही है। और आज आप देखेंगे मेरा पूरा घर यानी कि मेरी छोटी सी कुटिया, सिंपल सी। हो सकता है बहुत लोग ना देखे, स्किप कर दे, इग्नोर कर दे। वैसे तो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका हाईफाई घर होता है, हाईफाई चीज़ें होती हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हो कि नॉर्मल लोगों के पीछे कोई नहीं जाता है, नॉर्मल लोगों की चीज़ें कोई नहीं पसंद करता, लेकिन जो जैसा है वैसा है। आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों को दिखा दूं। मुझे थोड़ी सा अजीब लग रहा था बट मैंने कहा नहीं, मैं जब भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती थी तो मैं कभी कैमरा अपना ऊपर नहीं फोकस करने देती थी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। अभी तो फिलहाल मैंने कहा मॉर्निंग विश कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं सारी चीज़ें आप लोगों से आराम से बताऊंगी। तो अभी मुझे बनानी है सब्जी और रोटी चावल, ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सुबह जल्दी जल्दी बनाना, नहीं जल्दी जल्दी नहीं बनाना क्योंकि आज पापा नहीं हैं। आज है संडे, तो संडे वाले दिन क्या होता है कि पापा नहीं होते हैं, गाँव चले गए हैं, सैटरडे में शाम में गए हैं और ऑफिस की छुट्टी थी, 2 बजे तक खाएंगे, तो इतनी जल्दी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से फिर मैं बनाऊंगी वही 11:30 बजे तक, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। अभी तो बहुत गर्मी है, अभी मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ है, बस आई हूँ, जस्ट नहा धोकर रेडी होकर बैठ गई हूँ, आज सुबह सुबह रेडी हो गई, यानी कि जैसे मेरा रोज का लिपस्टिक, बिंदी, काजल, मॉइस्चराइजर, कोई अच्छी सी क्रीम, फेयर एंड लवली या कोई भी। गर्मी है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नहीं, तो अभी मैंने लगाई है मॉइस्चराइजर और फेयर एंड लवली क्रीम, आज मैंने लगा ली है। तो बस अब चलते हैं, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं, जब मैं खाना बनाऊंगी फिर जब मैं मिलूंगी, ठीक है बाबू। तो गाइस फाइनली मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की सब्जी। परवल को मैंने तेल में डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। पहले थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए तो आपकी जो परवल आलू की सब्जी होती है बहुत ही अच्छी बनती है। ये हमेशा परवल निकाल के फेंक देते हैं, इन्हें नहीं पसंद है, तो इस तरीके से मैं फ्राई कर देती हूँ तो ये आराम से खा लेते हैं। फिर हमें परवल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। लगभग हमारा परवल फ्राई हो चुका है, ज़्यादा कड़ा भी नहीं करना है और बिल्कुल हरा भी नहीं रखना, इस तरीके से हल्का ब्राउन रखना है आपको, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने ब्राउन कर लिया है, सारे परवल को मैंने इकट्ठे किए हैं, थोड़े थोड़े करके नहीं किए हैं। अब जो हमारा ऑयल बचा हुआ है इसी ऑयल में हम अपना तड़का देंगे, यानी कि सब्जी इसी में ही मैं छौंक लूँगी। सबसे पहले मैंने जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट तैयार किया है, पेस्ट मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिर्ची नहीं डाली है, ना ही लहसुन, ना ही अदरक, क्योंकि पहले मुझे बाबू के लिए सब्जी निकालनी पड़ती है और हमें आजकल सब्जी इस तरीके से बनानी पड़ रही है, आप देख लो। तो यहाँ पर मेरा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर जब अच्छे से गल जाएगा ना फिर मैं अपनी सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो टमाटर था वो काफ़ी अच्छे से गल चुका है लगभग लगभग, और हम इसमें अब अपनी सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। कलर कितना अच्छा खूबसूरत आया है ना। तो यहाँ पर मैं पहले परवल, फिर आलू जो हमने कट किए थे वो, इन सब को अच्छे से डाल दूंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं जस्ट हल्दी डालूंगी, जस्ट थोड़ी सी, और धनिया पाउडर, क्योंकि मसाला बाबू बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो पहले मैं सब्जी इस तरीके से बनाती हूँ, पका लेती हूँ, फिर बाबू के लिए निकालती हूँ, फिर मैं मसाला ऐड करती हूँ। अब सोचो कैसे, मतलब एक कटोरी सब्जी के लिए मुझे किस तरह से पूरी सब्जी बनानी पड़ रही है। अगर मैं उसकी अलग बनाऊँ तो फिर उतनी ज़्यादा गैस वेस्ट होगी, तो कोई मतलब नहीं है, फिर इसी में साथ ही साथ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी मेरी भून चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी मैं इतना डालूंगी कि सब्जी मेरी पक भी जाए और हल्की सी ग्रेवी बन रहे, क्योंकि सूखी सब्जी अपने पापा की तरह, वो भी है, उसे नहीं पसंद है, थोड़ी सी ग्रेवी होनी ही होनी चाहिए। तो ये देखिए ग्रेवी वाली सब्जी मैंने निकाल दी थी और फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया, तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, सॉरी। और यहाँ पर अब मैं हमारी जो सब्जी थी उसमें मैं ग्रेवी लगाऊंगी। सब्जी तो पक चुकी है, सिर्फ इतना पानी डालूंगी कि बस इसमें एक उबाल आए और मैं इसको, सब्जी को, मतलब गैस को अपने ऑफ कर दूँ। तो ये देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है अच्छे से और अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, हरी धनिया मैंने जो काट के रखी है बस। तो सब्जी हमारी रेडी है, बाबू के लिए मैंने धनिया और हल्दी वाली सब्जी निकाल दी, हम लोगों के लिए मसाले वाली।
तो ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया ना। तो अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और बताइएगा कैसी लगी। सेकंड बार अच्छे से दिखाऊंगी। इस बार वो मसाला ऐड करने वाली क्लिप ही गायब हो गई या मैं ऑन करना ही भूल गई हूँ। यहाँ पर नाश्ता बाबू कर चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुका है और इसके बाद अब मैं इसे खाना खिलाने जा रही हूँ। मन्नी खा चुकी है, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। रोटी में घी लगाई हूँ तो इसलिए रोटी को मैंने हाथ में ले लिया है, क्योंकि रोटी सूख जाती है गर्मी का टाइम है और बहुत ज़्यादा ये नाटक करती है, आधे से ऊपर टाइम लगा देती है, यानी कि 1 घंटे लगभग लगा देती है, नौटंकी कर करके खाती है। तब तक रोटी जो है वो पापड़ बन जाती है, इसलिए मैं इसको हाथ में मोड़ कर दाब कर रख लेती हूँ कि धीरे धीरे वो खाती रहेगी। एक फुल्का खाती, वो भी बिल्कुल छोटी सी लोई की, जैसे आप पूड़ियाँ बनाते हो ना वैसी। तो यहाँ पर वो खा रही है नाटक कर करके और मैं थकी जा रही हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरा पूरा घर। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि किस तरीके का है। और ये है मेरा डोर जहाँ पर हम लोगों ने बैठकर थाली बजाई थी, यहीं पर हम लोगों ने बैठकर थाली बजाई थी। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। घर में बहुत ही आए हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करी हूँ। वैसे ही आप एंट्री करोगे, ये डोर से आप एंट्री करोगे ना, जैसे ही एंट्री करोगे सामने जस्ट आपको मेरी अलमारी मिलेगी। इस अलमारी में मेरे कपड़े हैं, इसमें किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, सिर्फ पापा जी के हैं। क्योंकि जो पापा जी के कमरे में अलमारी थी तो वो हाउसफुल हो गई, तो मैंने अपनी अलमारी में उनके लिए जगह बना दिया। ये देखिए कुछ कपड़े उनके हैं और कुछ कपड़े अभी उनके टंगे हुए हैं यहाँ पर प्रेस करने के लिए, मैं प्रेस करके रखूँगी इसी में। और ये मेरे मेकअप लुक की साड़ियाँ हैं, मैं यहाँ पर नहीं रखती थी, मैं बेड में रखती थी क्योंकि अलमारी में जगह नहीं होता था ना इसी वजह से। बट अब मेकअप लुक करना रहता है तो एक 6-7 निकाल लेती हूँ फिर रख देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी कुर्तियाँ वगैरह लगाई हूँ जो थोड़ी सी मतलब महंगी हैं, उनको खुले में नहीं रख सकते हैं तो वो मैसी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं ना। और ये मेरे पर्स हैं, बगल में मेरी जीन्स लेगी है, इसके नीचे पूरा मेरा मेकअप का सामान है और यहाँ पे भी मेरी कुर्तियाँ हैं। बस इसी तरीके से ये मेरा सारा सामान है। बाबू नहीं से मौका मिला नहीं, बाबू लेकर भाग ली ठीक है। और ये है मेरा सोफ़ा, जो मेरी पुरानी वीडियो बनती थी, जो लोग देखते थे वो यहीं पर मैं बैठ के बनाती थी कोने में। और यहाँ पे एक विंडो है, ये देखिए एक दर मतलब खिड़की है, ये यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेती थी। और एक यहाँ पे ये देखिए बल्ब लगा हुआ है, अब दिखाती हूँ मैं आपको ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है ना, कहाँ गया, हाँ ये देखिए ये बल्ब लगा हुआ है ना, ये इससे रोशनी पड़ रही ना तो नहीं दिखा। इसी छोटे बल्ब से मैं अपनी वीडियो बनाती थी इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। सेकंड ये है सोफ़ा, ये देखिए जो आपको कैमरे में दिखता है ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो ये है सेकंड अलमारी जिसमें बाबू के पापा के कपड़े हैं। उसके जस्ट बगल में ये देखिए, उसके जस्ट बगल में ये देखिए अलमारी के जस्ट बगल में है हमारा बेड जहाँ पर हम सोते हैं। ये देखिए ये है हमारा बेड अलमारी के जस्ट बगल में, ये लास्ट में जगह नहीं है। सोफ़ा है, सोफ़ा से सटकर ये वाली अलमारी है, उससे बगल में ये वाली, फिर उसके बाद ये है हमारा बेड जहां हम सोते हैं, लास्ट में जगह नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं। और इस पे ये देखिए पूरा सामान जो है पूरा भरा पड़ा, ये मेरे बैंगल बॉक्स मैंने यहाँ रखा हुआ क्योंकि जगह नहीं है। और ये बोरिए में सारे सामान हैं, ये छोटा वाला बक्सा है इसमें भी सारे सामान हैं। और जो मेरी DIY के सामान है, मेकअप परफ्यूम, यहाँ पे लाइट जल रहा ना तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं, तो ये रखे हुए हैं। यहाँ पर बाबू की दवाइयाँ रखी हुई हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल और ये बाहर वाला डोर है। और ये मेरे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और हाँ यहाँ पर कुछ, यहाँ पे जो मैं अपनी वीडियो बनाती थी, ये देखिए यहाँ पर मैं बैठ के अपनी वीडियो बनाती थी, यहाँ पर रिंग लाइट थी, रिंग लाइट मेरी ख़राब हो गई तो फिर मैंने एक लाइट ये लगा ली है और एक लाइट वो लगा ली है। तो मैं आपको बैक कैमरे से सब कुछ अच्छे से अभी दिखा देती हूँ ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जो मुझे ये सोच कर आए हों कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई हूँ, तो भैया मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, ऐसे ही हूँ जैसे आपको दिखा रही हूँ। तो हो सकता है वो चले जाए मेरी वीडियो को ना देखे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरे रियल सब्सक्राइबर है वो तो मुझसे जुड़े ही रहेंगे ना, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। देखा आपने इस तरीके से मेरी रियल लाइफ है, जैसी हूँ जो हूँ आपके सामने हूँ, बट कभी फोकस नहीं किया मैं आप लोगों को, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाऊँ।
मुझे छुपाना पड़ता था, जब सीट आती थी तो मुझे क्रॉप करना पड़ता था, जब मैं वीडियो बनाती थी तब ये सीट वगैरह आ जाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। फिर मैंने कहा यार कब तक मतलब कि ऐसा रहेगा, एक दिन आपको दिखा देती हूँ, फिर मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी, जैसा जो है सब आपके सामने है। थोड़ी सी शर्म तो सबको आती है, जब YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आते हो ना, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती ही होती है, ऐसा मतलब होते यार कि हम कैसे मतलब कैसे क्या करें। लेकिन जब आप लोग इतना मोटिवेट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने आप लोगों के साथ वो वाला व्लॉग शेयर किया था अपने बाथरूम वाला, सब लोगों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ना, तो मुझे लगा यार जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया उन लोगों को ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, ये सारी सच्चाइयाँ जो मेरी हैं रियल लाइफ में। बहुत लोग बहुत समझते थे मुझे, बट वैसा कुछ नहीं है, इसी तरीके से है जो है जैसा आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा मुझे अजीब लगता था कि यार कैसे दिखाऊं क्या करूं, शर्म आती थी। और एक तरीके से ये देखा जाए कि मैंने छुपाया भी आप लोगों से, मुझे ये चीज़ें बहुत पहले ही दिखा देनी चाहिए थी, बता देनी चाहिए थी। कभी इतने साल हो गए मुझे, एक साल हो गए, कभी मैंने इस तरीके से नहीं दिखाया आप लोगों को, बताया आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो प्लीज डीमोटिवेट मत कीजिएगा वरना फिर से मैं गिर जाऊंगी नीचे। मोटिवेट कीजिएगा ताकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह बना रहे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा घर, कुटिया मेरी प्यारी सी, यानी कि मेरा घर, अपना घर जैसा जो भी अच्छा हो, तो मेरा घर मुझे बहुत ही प्यारा है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ और आराम से हूँ, बहुत ही अच्छे से हूँ, खुश हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? खुशी। तो वो मेरे साथ है, मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर, बहुत ही खुश हूँ। वो तो है जैसा, उसमें खुश होना ही होना चाहिए। तो मैंने कभी मतलब इस चीज़ों पर गौर ही नहीं किया, मेरे लिए बेस्ट है मेरा घर। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा, ओके।